हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवियर एकेडमी। मैं योगेश्वर स्वामी और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम ट्वेल्थ क्लास के लिए चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा? मैट्रिक्स। कौन सा? मैट्रिक्स, ठीक है। देखो बच्चों, क्या है कि समय का हमारे पास बहुत ही अभाव है, बहुत कमी है समय की, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि फेब में हमारे क्या हो जाएंगे, एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास केवल कितने हैं, पूरे 30 से 35 दिन हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो अपने मेन मेन टॉपिक है, जो भी बच्चे, मतलब क्या है, जो मेन मेन हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, और अपने कंसेप्ट थोड़े क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर रहे थे, ट्वेल्थ क्लास के लिए मैट्रिक्स पढ़ रहे थे चैप्टर, ठीक है। कौन सा चैप्टर था ट्वेल्थ क्लास के लिए? मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आव्यूह। आव्यूह में हम बात कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं किसकी, अपने मैट्रिक्स की, हमारी आव्यूह क्या होती है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, आव्यूह के प्रकार, ठीक है। जिसमें हमने बात करी थी किसके बारे में, पंक्ति आव्यूह, ठीक है, और स्तंभ आव्यूह के बारे में, जीरो यानी शून्य आव्यूह के बारे में बात करी थी, तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात करी थी हमने। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक हमारी जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, एक वे भी है, कौन सी, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी होती है स्केलर मैट्रिक्स? वह आव्यूह, वह मैट्रिक्स जो क्या हो हमारे, जिसका ऑर्डर क्या हो, बिल्कुल सेम हो, क्या हो, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम होते थे, क्या होते थे, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते थे, यानी कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती थी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था क्या, हमने तीन मैट्रिक्स पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह, क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं, तत्समक, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स था एक, विकर्ण आव्यूह, ठीक है, और यहाँ क्या था एक, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये तीनों ही मैट्रिक्स कैसी होती है हमारी, तीनों ही मैट्रिक्स कैसी होती है हमारी, कैसी होती है तीनों मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। कैसी होती है, इनमें एक सिमिलैरिटी है कि जो ये हमारी तीनों मैट्रिक्स होगी कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि एक बार हिंदी में भी लिख लेते हैं ऐसे, तत्समक आव्यूह, हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह, इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अदिश, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारी तीन मैट्रिक्स है, इनमें सिमिलैरिटी है, समरूपता है, जो कि क्या है, ये तीनों की तीनों कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, कैसी, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, वर्ग आव्यूह, क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह, क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं जैसे हिंदी में, ठीक है। बात करते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कि इन तीनों में हमारा डिफरेंस क्या है, बात करते हैं क्या होगा डिफरेंस। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था हमारे पास, क्या था, केवल जो प्रिंसिपल डायगोनल था हमारे पास, क्या था, प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि जो मुख्य विकर्ण था। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, देखिए जैसे बात कर लेते हैं, हम मैट्रिक्स लिखते हैं जिसका क्रम क्या है हमारे पास, 3x3 का क्रम है हमारे पास, तो ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, ये हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स है। तो इसमें बात करते हैं कि हम जैसे कि पढ़ चुके हैं पहले कि प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, कौन सा था प्रिंसिपल डायगोनल, यानी मुख्य विकर्ण, ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, याद रखना इस बात को सभी स्टूडेंट्स की, मुख्य डायगोनल क्या होता है हमारा, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। देखिए मुख्य विकर्ण क्या होता है, जो हमारा क्या हो, उल्टे हाथ की तरफ से, यानी अपने बाएं हाथ की तरफ से ऊपर से नीचे तक, नीचे की ओर दाएं तक, ठीक है ना, नीचे की ओर दाएं तक, ठीक है, यानी A11 एलिमेंट, A22 एलिमेंट और A33 एलिमेंट जो होते हैं हमारे, किसमें आते हैं, मुख्य विकर्ण में आते हैं, किसमें, मुख्य विकर्ण में आते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा प्रिंसिपल डायगोनल का रोल है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मतलब, आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मतलब वन, यानी कि यूनिट मतलब वन, इकाई, क्या हो, इकाई, नाम से पता लग रहा है यूनिट मैट्रिक्स, और इसे क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट और, ठीक है, जैसे कि इकाई या तत्समक आव्यूह, ठीक है, एक से हमें नाम से ही पता लग रहा है, इकाई, इकाई मतलब एक। तो क्या होगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था, जो मुख्य हमारा विकर्ण था उस पर केवल एक था और बाकी
ऊपर के और नीचे के जो अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल तक हमारा क्या था, वे जीरो थे। एलिमेंट कैसे थे, जीरो के। जैसे कि हम बात करें इसके लिए, ये वाली मैट्रिक्स थी हमारी, किसकी बात करें हम अभी, 3x3 ऑर्डर की कर रहे हैं। 2x2 में लेना चाहो तो 2x2 भी ले सकते हैं, ये 2x2 क्रम की है, एंड ये हमारी क्या होगी, 3x3 की होगी, 3x3, ठीक है ना। ये कैसी है हमारी, देखो प्रिंसिपल डायगोनल जो है वहाँ पे क्या है, वन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस जो थी हमारी कैसी थी, तत्समक ऑब्वियस थी, ठीक है। बात करते हैं किसके डायगोनल मैट्रिक्स की, किसकी डायगोनल मैट्रिक्स की। देखो बात क्या है बिल्कुल सेम कि जो होगा हमारा ये 3x3 का ही क्रम ले लेते हैं, इसमें भी 0 0 0 0 और 0 0, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखो कौन सा प्लेस खाली है अभी हमारे पे, बस जो प्रिंसिपल डायगोनल है वहाँ, प्रिंसिपल डायगोनल में आप कुछ भी लिख लो, प्रिंसिपल डायगोनल पर कुछ भी लिख लीजिए, वो मर्जी है आपकी, 1 √2 5, ठीक है। केवल और केवल क्या हो, जो मुख्य प्रिंसिपल है जो हमारा क्या है, सॉरी मुख्य प्रिंसिपल कह रहा मैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल है या फिर मुख्य भी करना है, वहीं पे क्या हो, केवल हमारे अवयव हो, केवल वहीं अवयव, अवयव कुछ भी हो सकते हैं, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन हो केवल मुख्य प्रिंसिपल ही, और बाकी ये सब क्या हो हमारे, जीरो, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है वो कैसी मैट्रिक्स होती है हमारी, विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, कैसी अवयव कहलाती है, कैसी अवयव कहलाती है, विकर्ण अवयव कहलाती है। और ये बराबर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा हो नहीं कि बराबर ना हो, तो यानी कि जो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी क्या है, एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक है। बात करते हैं किसकी, स्केलर मैट्रिक्स की। यदि बात करें स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, सेम वही प्रोसीजर है बिल्कुल, 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे। किसकी बात करी, जो हमारा कौन सा एलिमेंट नहीं है, कौन से अवयव नहीं है, मुख्य प्रिंसिपल के, सॉरी मुख्य प्रिंसिपल ही आ रहा है तो दिमाग में, यानी क्या है, मुख्य विकर्ण के हमारे अवयव नहीं है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव में जो होगा हमारा, जो भी हमारे मुख्य विकर्ण पर अवयव होंगे वे सेम होंगे, कैसे होंगे, बिल्कुल समान होंगे एक जैसे। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, 3 है तो 3 3 3, √5 है तो √5 √5 √5, इस तरीके से है। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हमने लिया हमारा √6 है, क्या है, √6, तो यहाँ भी √6 आएगा हमारा और यहाँ भी √6 आएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, ये स्केलर मैट्रिक्स होएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो देखिए हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स होती है, यानी कि इकाई अवयव तथा अदिश अवयव जो है वे क्या है, डायगोनल यानी विकर्ण अवयव ही है, ठीक है। कैसी है, विकर्ण अवयव ही है, और इनमें तीनों में जो समरूपता है क्या है, ये तीनों की तीनों कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिनमें क्रम बराबर होता है, जिनमें क्रम बराबर होता है, सॉरी क्रम बराबर मत लिखो, ऐसे लिखो जिनमें क्या हो, पंक्ति बराबर क्या होती है, पंक्तियों की संख्या बराबर होती है, किसके, पंक्तियों की संख्या बराबर होती है किसकी, स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा, वैसे हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार मैंने रिवाइज करा दिया इन सबको। अब बात करते हैं हम किसकी, उपावयव की, यानी सब मैट्रिक्स की, किसकी, उपावयव किसकी बात करते हैं, उपावयव की बात करते हैं हम, सब मैट्रिक्स उपावयव। ओके स्टूडेंट्स, सब मैट्रिक्स यानी उपावयव, जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, माना एक अवयव हमारे पास ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये किस ऑर्डर की, किस क्रम की है, 3x3 के क्रम की है, किस क्रम की है, 3x3 के क्रम की है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, यदि हम क्या करें, इस अवयव में से कोई कुछ एलिमेंट छोड़ दे, क्या करें, कुछ एलिमेंट छोड़ दे या कुछ एलिमेंट निकाल के एक अलग मैट्रिक्स बनाए, ठीक है। क्या अगर हम इस मैट्रिक्स में से कुछ अवयव निकाल के एक अलग अवयव बनाई जाए, जैसे कि हमने बनाया क्या, एक बी मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। तो इसके एलिमेंट निकाल लो कहीं से भी, एक साइड से निकलेगा, ऐसा नहीं कि एक यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया, नहीं,
जहाँ से निकालेंगे बिल्कुल साथ के साथ एलिमेंट निकलेंगे, ठीक है, एक साथ बिल्कुल। तो हमने क्या करा, जैसे यहाँ से कुछ एलिमेंट निकाले, जैसे 1 2 4 5 1 2 4 5, ये क्या हुआ, 2 बाय 2 का क्या बनाया हमने, मैट्रिक्स बना दिया। क्या बनाया, 2 बाय 2 का, 2 बाय 2 की क्या बना दी, एक मैट्रिक्स बनाई हमने, ठीक है, 2 बाय 2 की क्या बनाई, एक मैट्रिक्स बनाई। देखो बिल्कुल एक साथ निकाले हमने कौन से, ये इस तरीके से, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो हमने क्या करा यहाँ पे, ये क्या होगी, इसकी उपावयव होगी, क्या होगी, उपावयव, क्योंकि ये जो इसमें अवयव है ये सारे किस में इंक्लूड है, किस में आ रखे हैं, ए में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, जो भी है बी के अवयव है, जो भी हमारे बी अवयव में जो भी अवयव है किससे लिए हमने, ए से लिए हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी उप अवयव होगी, ठीक है, कैसी होगी, उपअवयव होगी, कैसी होगी, उपअवयव, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं किसकी, अब हो जाएंगे हमारे यहाँ से क्या, इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बात अभी तक हम बात कर चुके हैं कि हमारी कौन सी मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती है, क्या टाइप, कितने टाइप्स होते हैं, कैसी कैसी मैट्रिक्स होती है, ऑब्वियो क्या होती है, ठीक है ना, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी, ठीक है, बात करते हैं किसकी, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, किसकी, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव में समानता, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैट्रिसेस, यानी कि एक सजाद है अगर सिंगल है तो मैट्रिक्स, और एक सजाद हो तो क्या होगा, मैट्रिसेस हो जाएगा, ठीक है। अवयव में समानता, ठीक है, क्या होगा, अवयव में समानता, ओके स्टूडेंट्स। देखिए क्या होती है, जब हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हमारा क्या आएगा, इक्वल मैट्रिक्स बनेगी, क्या बनेगी, इक्वल मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, क्या होगा, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, किसके, दो पॉइंट है, हम दो पॉइंट से याद रख सकते हैं, या तो क्या हो, ये बोल दे कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हो मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे तो वो हमारी क्या होगी, अभी हमारी क्या नहीं बनी, मैट्रिक्स बराबर नहीं हुई, ठीक है, मैट्रिक्स बराबर नहीं हुई, क्यों, जैसे हमारे पास क्या है, ये 1 2 3 4 है, और ये एक मैट्रिक्स है, इसका क्रम क्या है, 2 बाय 2 ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 रो है, 2 पंक्ति है, और 2 ही क्या है, स्तंभ है, ठीक है। तो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स हो, जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, 5 6 7 8, ये भी क्या है, 2 बाय 2 का क्रम है हमारे, इसमें क्या है, 2 बाय 2, लेकिन जो इनके संगत अवयव है, इनके संगत अवयव जो है वे बराबर नहीं है, तो अभी क्या हुआ, इनमें समानता नहीं आई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बात नोट करेंगे, क्या करेंगे, 2 बातें नोट करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए, यानी अवयव में समानता के लिए। एक तो क्या हो, जो फर्स्ट पॉइंट हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, यानी स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो, पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, या फिर क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो अवयव होगी उनका क्रम बराबर हो, क्या हो, उनका क्रम बराबर हो, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा होगा। और सेकंड पॉइंट जो होगा हमारा, वो देखें बिल्कुल कैसा होगा, जो हमारे संगत अवयव में जो संगत अवयव होंगे, अवयव में जो संगत अवयव यानी कि जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे, वे भी क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे इसका जो संगत ये क्या है, इसकी पोजिशन क्या है, A11 क्या है, A11 है, ठीक है, और इसमें A11 कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पे, तो ये क्या हो, ये दोनों बराबर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, या तो फिर क्या हो, अगर इस मैट्रिक्स को इसके बराबर करना है तो यहाँ पे भी क्या हो हमारा, 5 हो, क्या हो, 5, यहाँ पे क्या हो, 6 और 7 और 8, तो यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसी है, अब इन दोनों में इक्वेलिटी है, क्या है, समानता है, क्योंकि इनके जो संगत अवयव है कैसे है, बिल्कुल बराबर, ठीक है। संगत का कैसे पता लगेगा कि कौन सा किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इसकी इसकी प्लेस क्या है, A11 है, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो और पहले कॉलम का पहला, यानी पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ का पहला अवयव, प्रथम अवयव, ठीक है, इसमें भी क्या है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का प्रथम अवयव, ये क्या है, A12, यानी क्या है, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, ठीक है, ये क्या है, पहली पंक्ति दूसरे अवयव का स्तंभ, ये सब क्या हो, ये बराबर हो, ठीक है। जैसे हम पोजिशन दे सकते हैं, A11 इसे बोलते हैं A12, इसे भी A12 बोलेंगे, इसे
क्या बोलेंगे, ए टू वन ए टू टू, ठीक है, ए टू वन और ए टू टू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होते हमारे क्या, संगत अवयव होते हैं। क्या होते हैं? संगत अवयव होते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं एक बार क्या होते हैं हमारे पॉइंट। देखिए फर्स्ट क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारे पास, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, यानी दो अवयवों में समानता, या फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे, अवयव के क्रम बराबर होने चाहिए, अवयव के क्रम बराबर अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि जो बुक की लैंग्वेज है वही लिखें हम। अवयव के जो क्रम है वे कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या है, या फिर इस तरीके से लिखें, इस तरीके से लिख लें, एक से ज्यादा तो अवयव लिख लेंगे, अवयव में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अर्थात, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, अर्थात क्या होगा इसका मतलब, जब हमारी क्या होगी, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, तो क्या हो जाएगा, उनका जो क्रम है क्या होगा, क्या होगा, अवयवों में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, यानी क्रम बराबर होने चाहिए। अर्थात अवयवों का क्रम बराबर होना चाहिए, अर्थात अवयवों का क्रम बराबर होना चाहिए। क्रम कैसा हो, बराबर होना चाहिए, ठीक है, कैसा क्रम हो, बराबर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। संख्या में बराबर होनी चाहिए। अच्छा एक बात है, बराबर होनी चाहिए मैं क्या इसका मतलब, तुम ये भी समझ में सकते हैं, लेकिन इससे कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे अवयव है, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा है, या फिर ऐसा लगे संख्या की, संख्या स्तंभों की संख्या अलग अलग बराबर होनी चाहिए, संख्या के अलग अलग लिख लो कि अलग अलग बराबर होनी चाहिए। अर्थात क्या है, अवयव का क्रम बराबर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या होगा, सेकेंड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, अवयवों में संगत अवयव, अवयव बोल दो या फिर तत्व बोल दो, तत्व इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट, अवयवों में संगत अवयव बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दो पॉइंट है इसमें, क्या हो हमारे पास जैसे दो मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स का क्या हो ऑर्डर, क्या हो क्रम, बिल्कुल बराबर हो, ठीक है, तो वह मैट्रिक्स ऐसी होगी, एक तो क्या हो बराबर हो, दोनों का ऑर्डर क्या हो बराबर हो, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, जो उनके संगत अवयव है, यानी हमारे क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वे भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमारी एक मैट्रिक्स ऐसी होगी अवयव में समानता, यानी हमारी जो अवयव होगी हमारे पास वे हम उनमें क्या आ जाएगी, हमारी समानता आ जाएगी, ठीक है, अवयव में समानता। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा हमारा, देख लेते हैं एक बार एक क्वेश्चन करके कि हमारा जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, उदाहरण यहीं पे कर लेते हैं, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण एक क्या हो, यदि 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 देख लेते हैं क्या होगा, दो क्वेश्चन करेंगे यहां से हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के,
एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, ये जेड है हमारे पास, ठीक है। यदि दो अवयव हमारे पास बराबर हो तो या फिर यहां लिख लिए x y कोमा z का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। यदि यदि क्या हो, ये दोनों अवयव क्या हो आपस में बराबर हो, यदि ये दोनों अवयव क्या हो बराबर हो। अब हम बात कर चुके हैं अवयवों में कि एक तो क्या हो, दोनों अवयव को क्या हो, जो हमारी दो हो तीन हो उन सबका क्या हो, क्रम बराबर हो, क्या हो क्रम बराबर हो। देखो इन दोनों का क्रम बराबर है, इसका क्रम क्या है हमारे पास 2/2 का और इसका भी क्रम क्या है हमारे पास 2/2 का है, ओके दोनों का क्रम बराबर है। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या है, जो इनके संगत अवयव है वे भी क्या हो बराबर हो। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या, यहाँ वाई है, वाई के यहाँ पे a11 एलिमेंट वाई है तो यहाँ पे क्या 5 है, यहाँ पे जेड क्या है 3 है, ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे 1 है, और देखो 7 है 7 है 7 और 7 के बराबर, यानी जो हमारा A22 एलिमेंट है कौन सा, A22 अवयव, ये कौन सा है A22 स्थान पर है, कौन से पर A22 स्थान पर है, ये दोनों क्या है बराबर है तो संगत है। तो यहां से जब बराबर है तो ये भी सब कैसे होने चाहिए हमारे बराबर। तो यहां से अगर हम बात करें, हम तुलना करें, हल क्या है हमारे पास 5x 3/7 बराबर है किसके, y z 1/7 के। तो तुलना करेंगे, जैसे तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो y का मान आएगा वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो z का मान आएगा वो क्या आएगा 3 आ जाएगा, और जो x का मान होएगा वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, x का मान जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास y का मान 5 होगा, ये भी 5 ये भी 5, z का मान 3 होगा, ये भी 3, x का मान क्या है हमारे पास 1 है, ये भी 1 और 7 और 7 है ही हमारे पास, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, हमारे क्रम भी बराबर है अवयव के और संगत अवयव भी हमारे बराबर है, तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐसी इक्वालिटी है, ठीक है। वैसे इन दिनों दे रखा है कि ये इक्वल है, ये क्या है इक्वल है, और हमें तो एक्स वाई जेड का मान बताना था, ठीक है। तो संगत अवयव बराबर कर देंगे इनके, ये कैसी हो जाएगी, ठीक है, हमारे एक्स वाई जेड के मान निकल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, ये मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मुश्किल है कि ऐसा क्वेश्चन आए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ से कि क्वेश्चन जो आए इस तरीके का आए, इस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है। देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है, हमें क्या करना है आपकी बार, x y z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण दूसरा कौन सा है, x y z का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है, x y z w का मान ज्ञात कीजिए यदि क्या हो, यदि या फिर जब क्या हो, हमारे पास एक मैट्रिक्स है x-y, ठीक है, क्या है x-y बराबर है किसके, x-y यहाँ पे क्या है 2x-y, ओके स्टूडेंट्स 2x+z और 3z+w बराबर है किसके, यहाँ से देखते हैं -1/5 -1/5 0/13 के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से x y z और w की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इनके बीच में क्या है इक्वल है, तो इक्वालिटी यानी दोनों मैट्रिक्स क्या आपस, दोनों अवयव क्या आपस में बराबर है, ठीक है। तो जो इनके संगत अवयव होंगे वे भी क्या बराबर होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, जब इनके बीच में दोनों के क्या है बराबर का साइन है, क्या है बराबर का साइन है, यानी इक्वल है मैट्रिक्स, तो इनके क्रम भी बराबर होंगे, क्रम बराबर है देख लो, ठीक है, और इनके संगत अवयव भी बराबर हैं, इनके संगत अवयव भी बराबर हैं, होएंगे नहीं, हमें करने नहीं, अब ये बराबर है पहले से, क्योंकि मैट्रिक्स भी क्या है हमारी इक्वल है, मैट्रिक्स भी इक्वल है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं चलो हल की, कि इसका हल कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है हमारे पास दिया है क्या दिया हमारे पास, ये मैट्रिक्स दी है, लिख लेते हैं एक बार, x-y किसके बराबर है 2x+z के बराबर है, यहाँ से 2x-y किसके बराबर है 3z+w के बराबर है, 3z+w के बराबर,
है कोण, ये हुआ 0 13 के बराबर। ठीक है, दोनों तरफ तुलना करो, तुलना करने पर ठीक है। जैसे हम तुलना करेंगे तो जो x माइनस वाई है हमारा एलिमेंट है वो किसके बोला जाएगा, -1 के। ये जेड है यहाँ पे, 2x प्लस जेड किसके बोला जाएगा, 5 के बोला जाएगा। 2x माइनस वाई 0 के बोला जाएगा, और 3z प्लस डब्ल्यू किसके बोला जाएगा हमारे पास, 13 के बोला जाएगा, यानी 13 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए x माइनस वाई किसके बराबर आया यहाँ से, -1 के। ठीक है, 2x माइनस वाई किसके बराबर आया, 0 के। और 2x प्लस जेड किसके बराबर आया, 5 के। 3z प्लस डब्ल्यू कितना आया, 13 के बराबर आया, 13 के बराबर आया। अब अगर हम बात करें हमारे पास कितने चर हैं, हमें कितने चर की वैल्यू निकालनी है, x y z w, यानी चार है, कितने हैं, चार है। और यहाँ पे कितने समीकरण बनी है, 1 2 3 4, क्या बनी है, 1 2 3 4 समीकरण को नाम दे दीजिए ना, एक समीकरण 2 3 4। ठीक है, तो हमारी जो परफेक्ट वैल्यू आएगी बिल्कुल एक्स वाई जेड की, जो क्या आएगी, अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी, वो कब आएगी, जब हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर होते हैं, यानी समीकरण की संख्या किसके बराबर होती है, हमारे चर के बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, अपने सोल्व कर लेंगे बाय 10th क्लास, विलोपन विधि से कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, जिससे आपकी इच्छा हो उससे कर सकते हैं, यानी एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो इच्छा है, जैसा करना चाहो ऐसा कर लो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यहां से अगर हम समीकरण 1 से क्या निकाल लें, समीकरण 1 से अगर हम वैल्यू निकाले किसकी, हमारे पास क्या x माइनस वाई वन ये है बराबर, तो हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी हमारे पास, y की वैल्यू निकल सकती है, x प्लस वन हो जाएगी, y की वैल्यू आ गई है। तो y बराबर x प्लस वन समीकरण दो में रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, जैसे हम समीकरण दो में y की जगह, y के स्थान पर क्या रखेंगे, x प्लस वन रखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस y का मान क्या है, x प्लस वन बराबर जीरो, क्या है, x प्लस वन बराबर जीरो है। और हम सभी जानते हैं जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर, जब भी किसी कोष्टक के बाहर माइनस का साइन होता है, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह होता है, तो हमारा क्या होगा, वो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज कर देगा, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज कर देगा, यानी कोष्ठक के अंदर के चिन्ह को जो है वो बदल देगा, जो प्लस का है उसे माइनस का कर देगा, और जो माइनस का उसे प्लस का कर देगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 2x बराबर, दोनों प्लस के हैं तो कैसे हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, यहाँ से ये आ जाएगा, और 2x में से 1x गया, कितना बचा x, और ये 1 इधर प्लस का है, माइनस का इधर कैसे हो जाएगा, प्लस का, कितना हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से हमारी क्या आ चुकी है, x का मान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसे समीकरण 5 बना लीजिए, यहाँ से x बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर, x बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण की इच्छा है आप कितनी बना सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है, x बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर क्या आ जाएगा, y बराबर 1 प्लस 1, तो y का मान यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, y का मान 2 आ गया। बात करें किसकी, हमारे पास किसकी वैल्यू बची, z की और w की, किसकी, z की और w की वैल्यू बची हमारे पास। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ से, देखो समीकरण 3 जो है वो किस में है, एक्स और जेड में है, यदि हम क्या करें, एक्स का समीकरण 3 में एक्स का मान रख दे, तो केवल जेड में क्वेश्चन पहुंच जाएगा, किस में, जेड में इक्वेशन पहुंच जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से जेड का मान निकाल सकते हैं, तो यहां से रखेंगे समीकरण 3 में एक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखने पर तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 प्लस जेड बराबर 5, तो क्या आ जाएगा, 2 + z बराबर 5। तो जैसे ही 2 इधर प्लस का इधर आगे कैसा हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 - 2, और जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से क्या, 3, जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 आ गई, क्या आ गई, जेड की वैल्यू 3 आ गई। तो अब हमारे पास क्या बचा, केवल डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। देखिए रिलेशन क्या दिया है हमारे पास, डब्ल्यू और जेड में रिलेशन दिया है, और जेड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बस केवल हमें क्या निकालनी है, समीकरण 4 में हम जेड के स्थान पर क्या रख दे, 3 रख दे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू के मान भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ रखेंगे अब हम समीकरण 4 में जेड बराबर 3 रखने पर, जेड बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 प्लस जेड बराबर कितना, 13, 9 + z बराबर 13। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे कि ये जेड इधर प्लस का इधर कैसा हो जाएगा, जाके माइनस का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का, 13 में से 9 हो गए कितने बचे, 4, 13 में से 9 हो गए कितने बचे हमारे पास, 4।
तो देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की 2, जेड की 3 और डब्ल्यू क्या है हमारे पास 4। डब्ल्यू की क्या आई हमारे पास 4 आई, क्या आई डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4 आ गई है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, डब्ल्यू की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है। देखो ये क्यों जाता है, ये 9 जो है इधर प्लस का इधर उधर 13, 13 के पास, क्योंकि डब्ल्यू क्यों नहीं गए 13 के पास। हम बात करते हैं किसकी, हमारी जो लाइक टर्म्स होती है, क्या होती है लाइक, LIKE लाइक टर्म्स जो होती है वे एक दूसरे के पास जाती है। अगर हमारे पास कोई यहाँ डब्ल्यू की और टर्म होती है तो डब्ल्यू डब्ल्यू के पास जाएगा, एक्स एक्स के पास जाएगा, वाई वाई के पास जाएगा। और ये क्या होते हैं हमारे, जिनके पास जिनके हमारे गुणांक क्या होते, जिनमें हमारे क्या होते हैं चर नहीं होते, यानी कि जो केवल मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, कौन जिन्हें हम बोलते हैं क्या कॉन्स्टेंट टर्म, क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं, जैसे कि 13 9, तो कॉन्स्टेंट टर्म हमारी कॉन्स्टेंट टर्म के पास ही जाती है, ठीक है। ये इधर प्लस की है तो बराबर के इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। डब्ल्यू की वैल्यू कैसी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन को कैसे देखें कि हमारी वैल्यू जो आई है बिल्कुल सही आई है नहीं आई है, तो चेक कर लेंगे एक बार। जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 1 है और वाई की वैल्यू 2 है, यदि हम एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रखें तो 1 - 2 कितना आया 1 - 2, 1 में से 2 कटाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, देखिए -1 -1 -1 के बराबर है। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे एक्स का मान क्या है हमारे पास 1 है और जेड का मान क्या है 3 है, जेड का मान कितना है 3, तो 2 * 1 = 2 और जेड का मान 3, तो 3 और 2 = 5, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। हमारे पास एक्स का मान क्या है 1 है और वाई का कितना है 2 है, तो 2 * 1 = 2 और 2 में से 2 = 0, बिल्कुल सही है। और अगर हम क्या करेंगे इस वैल्यू में भी अपना जेड और डब्ल्यू रखेंगे इस यहाँ पे इस वाले एलिमेंट में भी, तो 13 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ, हमारे पास तीनों चर की वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह समझ में आई होगी, ठीक है। और आप अपनी बुक्स में जो आपके पास प्रैक्टिस बुक है, सैंपल पेपर है, या फिर एनसीईआरटी ही ले लो, ठीक है, अपने एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल कीजिए, क्योंकि जब भी अगर हमें लगता है कि हमारी बार आपके बार क्या है पेपर हार्ड आया, एग्जाम हार्ड आया, तो या तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होंगे उसको उस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर क्वेश्चन की जो पेपर की जो लेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो पढ़ते रहिए आप सब, ओके। अपने क्वेश्चन करना एक टाइप के कम से कम 4 से 5, 5-6 सवाल तो कीजिए, ताकि क्या वहाँ जाके बिल्कुल क्या हो आपके दिमाग में कि हाँ हमने ये टाइप पढ़ रखी है, इस तरीके से क्वेश्चन होएगा, ठीक है। और पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल कोई भी छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल कोई भी छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि जो क्या होगा एग्जाम में जो हमारी मार्किंग होगी वो स्टेप वाइज मार्किंग होगी, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन में एक स्टेप भी लिखोगे और सही लिखोगे वो, तो उस पर भी आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगा पढ़ना आप इन सबको। तो इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।